हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। द एशेज में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। ये खबर ब्रैंडन मैकलम से जुड़ी है। ब्रैंडन मैकलम इंग्लैंड के मुख्य कोच हैं। मुकाबला शुरू होने से पहले ब्रैंडन मैकलम जब स्टेडियम में आए तो गार्ड ने उनको एंट्री नहीं दी, यानी गार्ड को पता भी नहीं चला कि ये ब्रैंडन मैकलम है और इंग्लैंड के हेड कोच है। उन्होंने उसको एंट्री नहीं दी। उसके बाद ब्रैंडन मैकलम गुस्से में आके स्टेडियम से बाहर चले गए। ये ऐसा मोमेंट था जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला था। उसके बाद जब पता चला कि मुख्य कोच मैदान में नहीं पहुंचा है, तो उसके बाद मैदान के अंदर जो अधिकारी थे वो बाहर आए, तो तब तक ब्रैंडन मैकलम स्टेडियम से बाहर निकल गए थे। ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला मोमेंट है, क्योंकि इतना महान खिलाड़ी जिनको स्टेडियम में एंट्री नहीं मिली, वो भी हेड कोच इंग्लैंड की तरफ से। इस मुकाबले में दोनों टीमें बराबरी पे है और ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इस मुकाबले में इंग्लैंड की तरफ से भी ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है।